हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग करेंगे कक्षा एक का पार्ट 17, चकई के चकदुम। इसके शब्द अर्थ वगैरह मैंने पहले की वीडियो में करवा रखे हैं। अगर आपने वॉच नहीं किए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जा करके वॉच कर सकते हैं। ओके, और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, खाली स्थान भरो। यहाँ पर कहीं पर मैंने खाली खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम डैश साथ रहे हम तुम। तो यहाँ पर क्या आएगा? गांव की मड़ैया। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन है, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम ग्वाले की गैया डैश। ग्वाले की गैया के बाद हम क्या लिखेंगे? दूध पिए हम तुम। यहाँ पर लिखेंगे हम दूध पिए हम तुम। ठीक है, चकई के चकदुम डैश पार करें हम तुम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कागज की नैया। ठीक है, कागज की नैया पार करें हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम फुलवा की बगिया डैश। फुलवा की बगिया के बाद लिखेंगे हम फूल चुने हम तुम। ठीक है, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। चकई के चकदुम डैश आओ चले हम तुम। यहाँ पर लिखेंगे हम खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। तो आपको भी ऐसे ही ये खाली स्थान भरना है। ठीक है, अब प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके क्या करने हैं? उत्तर लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न ये कि मड़ैया कहाँ बनी होती है? मड़ैया मतलब क्या होता है? झोपड़ी होता है। तो अधिकतर झोपड़ियाँ जो है कहाँ बनी हुई होती है? गाँव में बनी हुई होती है। ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे मड़ैया गाँव में बनी होती है। ठीक है, मड़ैया गांव में बनी होती है। अब प्रश्न दो है, गैया हमें क्या देती है? गैया मतलब क्या होता है? गाय होते हैं। तो गाय हमें क्या देती है? गैया हमें दूध देती है। गैया हमें दूध देती है। ठीक है, प्रश्न तीन है, नाव किसकी बनी थी? तो नाव किसकी बनी थी? नाव कागज की बनी थी। नाव कागज की बनी थी। प्रश्न चार है, बगिया से बच्चे क्या चुनने की बात कर रहे हैं? तो बगिया से बगीचे से जो है बच्चे क्या चुनने की बात कर रहे हैं? बगिया से बच्चे फूल चुनने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फूल चुनने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बगिया से बच्चे फूल चुनने की बात कर रहे हैं। प्रश्न पांच है, खेल खत्म होने के बाद सब कहाँ जाते हैं? जब बच्चे खेल खेलते हैं, जब खेल खत्म हो जाता है, तो उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? सब अपने अपने घर जाते हैं। खेल खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। खेल खत्म होने के बाद सब अपने 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 घर जाते हैं। ठीक
ठीक है, खेल खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। तो आपको प्रश्न उत्तर अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब प्रश्न है मिलान करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे गांव की मड़ैया साथ रहें हम तुम, ठीक है। ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम, कागज की नैया पार करें हम तुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम, ठीक है। तो आपको ये अच्छे समझ में आ गए होगा। तो आपको इनको क्या करना है, नोट डाउन भी करना है और आप लोगों को इनको लर्न भी करना है, ओके। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।